हरे कृष्ण दोस्तों, चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, उसके लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पे विजय पाना बड़ी कठिन बात है। अगर उस पे कोई विजय प्राप्त कर सकता है तो कोई एक ही परम तत्व है जिसका नाम है प्रेम। जब हृदय में प्रेम प्रकट होता है ना, तो इन सभी का नाश होता है, विकारों का क्षणिक नाश हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी को भ्रष्ट होते देखोगे, बड़े बड़े योगियों को पतित होते देखोगे, बड़े बड़े मुनियों को गिरते हुए देखोगे, लेकिन एक साधारण भक्त को डिगते हुए नहीं देखोगे। केवल महामंत्र उच्चारण करते हैं। अब यही देख लीजिए कि कुटिया में बैठे तीन वैश्या आई, किसी को परास्त नहीं कर पाई, बल्कि 3 दिन में वो स्वयं हरिदासी हो गई। ऐसे हरिदास जी का आश्रय लिया और हरिदास जी ने केवल नाम का आश्रय लिया। कितने ऐसे भक्त हो गए जो ना ज्ञान जानते हैं ना सेवा, वो केवल राम कृष्ण राधा उच्चारण करके विजय प्राप्त करते हैं, समस्त विकारों पे जय को प्राप्त करते हैं। उनके हृदय में हरि का निरंतर वास है। काम क्रोध मद मत्सर लोभ न मोहा, न शोभ राग न द्रोहा, जिनके कपट नहीं मोह माया, उनके मन में बसे रघुराया। ठाकुर जी उनके हृदय में बसते हैं, क्योंकि नाम वाणी जिभ्या पे है तो उसका प्रादुर्भाव हृदय में होता है, इसलिए नाम प्रकट करता है प्रेम। पहले प्रेम घसीट के लाता है नामी को और बंदी बना लेता है। उस नाम जपक के हृदय में प्रेम सबसे बड़ा महान योद्धा है। स्वयं स्वामी हिताचार्य जी कह रहे हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, डंके की चोट पे नाम जप करो, तब तुम समस्त विकारों पे विजय प्राप्त करोगे। इसलिए विकारों पे विजय प्राप्त करने की चिंता मत करो, बल्कि हित शरण होकर नाम जप करते हुए प्रभु से प्रेम प्राप्त करने की चिंता करनी है। प्रभु से हित करना है, प्रभु से प्रेम करना है। जब हमारा अगला कदम दृढ़ हो जाए, तब पिछला अपने आप उठ जाएगा। हमारा मन यदि युगल सरकार में आसक्त हो गया, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की कोई सत्ता है ही नहीं कि वो हमें गिरा सके। और अगर हम कर्ता भाव देह भाव रख के तपस्या करेंगे, तब हम कहीं ना कहीं भ्रष्ट होंगे। प्रेम एक ऐसा बल है जो भक्त और भगवान दोनों को अधीन करते हैं। दूसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं जो प्रभु को या भक्तों को अधीन कर ले। एक ही महान बल है प्रेम, जो प्रेमाधीन भगवान और प्रेमाधीन भक्त दोनों को अधीन किए हुए है। श्री हरिवंश सांप्रदाय के सेवक जी महाराज कह रहे हैं, सच्ची धर्मियों की संग से अपने हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग प्रकट करो, और उस अनुराग में ऐसा बल है जो काम क्रोध मद मत्सर को तुरंत भगा देंगे। इसलिए इन विकारों को नाश करने के लिए हृदय में प्रेम की भावना को लाना जरूरी है, और प्रेम की भावना लाने के लिए अधिक से अधिक नाम जपने की आवश्यकता है, तब अपने आप ये सारे विकार भाग जाएंगे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।